यदि युवा प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए संगठन का लगातार विस्तार किया जा रहा है और नए नए युवाओं को पार्टी से जोड़कर उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। उसी कड़ी में पूर्णिया जदयू युवा प्रकोष्ठ में अधिकांश प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी गई। जिला अध्यक्ष सचिन कुमार मेहता ने सभी प्रखंड अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किए गए युवाओं के नामों की घोषणा की। वहीं लोकसभा प्रभारी कुणाल कुमार ने विधानसभा प्रभारी के नामों की घोषणा की। पूर्णिया जिला के युवा जदयू संगठन विस्तार को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी जी के दिशा निर्देशानुसार सभी प्रखंड एवं विधानसभा प्रभारियों की सूची प्रदेश के द्वारा जारी की गई है, जिसकी की घोषणा मैं आज कर रहा हूँ, जिसमें कि रुपौली, हिमांशु मंडल, भवानीपुर, दिवाकर कुमार, बराड़ा कोठी, अमितेश कुमार, बनमनखी भवेश कुमार पासवान, के नगर मंटू कुमार, धमदा अरविंद कुमार मेहता, श्रीनगर चंदन कुमार मंडल और जलालगढ़ नवकिशोर विश्वास, कस्बा अर्जुन कुमार विश्वास, अमौर बबलू कुमार विश्वास, बैसा सलीम अंसारी जिसमें डगुरवा कैलाश चौहान, बैसी अनंत कुमार शाह, पूर्णियापुर योगेश कुमार जो कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष अभी युवा के पूर्णिया के, जिसको कि पटना के द्वारा नवनियुक्त किया गया है और हम लोग आज इसका घोषणा करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि विधानसभा प्रभारियों का नाम हम बता देना चाहते हैं जो अनुमोदित होके आया है प्रदेश के द्वारा, तो वो जो है धमधा विधानसभा बिट्टू कुमार, रुपौली विधानसभा यश कुमार, पूर्णिया विधानसभा त्रिलोक कुमार, बनमनखी विधानसभा मोहम्मद अफजल, कस्बा विधानसभा अजीत कुमार मेहता, कोढ़ा विधानसभा विशाल कुमार राय, बायसी विधानसभा अफजल खान और अमोर विधानसभा मोहम्मद तारिक अनवर को जो है ये सारी सूची जो है प्रदेश से अनुमोदित होके प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। अच्छा, क्या बताना चाहिए? आज जो हम लोगों का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस युवा जदयू के द्वारा बुलाया गया है, ये प्रदेश युवा जदयू के नेतृत्व में जो है उनके आलोक में हम लोगों ने अपने संगठन का विस्तार किया है। युवा जिलाध्यक्ष के द्वारा प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया है, वहीं पर लोकसभा प्रभारी के द्वारा जो है विधानसभा कमेटी का विस्तार किया गया है। युवा जदयू जो है आगे जो है मतलब संगठन को धारदार बनाने के दृष्टिकोण से जो पहल हुआ है ऊपर से, तो उसके अंतर्गत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है और कोरोना काल में जो है हम लोगों का वर्चुअल बैठक भी होगा और हम लोगों का एक टास्क भी सौंपा गया है कि हर जगह जो है टीकाकरण के अभियान में तेजी आए, उसका किस तरह से हो रहा है, लोगों को जागरूक करना है, इसी के दृष्टिकोण में इसी के आलोक में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। जिम्मेदारी सौंपी गई है, किन किन लोगों को सौंपी गई है? देखिए, सब